मैं दीदी का नमस्ते थोड़ा भैया। सा, हाँ नमस्ते नमस्ते दीदी, एक मिनट में आपका थोड़ा सा परिचय रखता हूँ। दीदी सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर है बेक्टन डिक्सन एंड कंपनी में। दीदी ने फर्स्ट यूएच वर्कशॉप मार्च 2022 में किया था। बाद में दीदी ने UHV-2 का वर्कशॉप अगस्त 2022 में किया हुआ है, और दीदी इस बैच के साथ मॉर्निंग सेशन में जुड़ी हुई है। तो दीदी आपका स्वागत है, आप अपनी बात को रख सकते हैं। जी नमस्ते भैया, नमस्ते सभी को। तो जैसे भैया ने बताया कि मैं जो है सॉफ्टवेयर इंजीनियर की पोजीशन पे काम करती हूँ। एक मेडटेक कंपनी है जहाँ पे हम हेल्थ केयर से रिलेटेड वेब डेवलपमेंट करते हैं। तो उसके अलावा जैसे हमारे घर में छोटी सी फैमिली है, मम्मी पेरेंट्स हैं और ब्रदर है। तो स्पिरिचुअल एक्टिविटीज मैं नहीं कहूंगी, बट मेरे को जैसे बचपन से ही हर एक चीज जानने का बड़ा क्यूरियोसिटी रहती थी। तो मैं अपनी मम्मा से भी बड़े क्वेश्चंस पूछती थी कि अगर आप ये रिचुअल कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, उसका रीजन क्या है, क्यों करते हैं। तो वो जैसे हमारे पेरेंट्स भी अनुसरण ही करते थे, तो उनको इतना डीपली नहीं पता होता था, तो वो कुछ ऐसे घुमा फिरा के बोल देते थे, बट मेरे को अंदर से बहुत क्यूरियोसिटी रहती थी। तो जैसे हम बचपन में तो खेल कूद में या पढ़ा मार्क्स में ही हमारा ध्यान रहता है कि हमारे मार्क्स फर्स्ट आना चाहिए, ये आना चाहिए। तो उसके बाद 10+1+2 में तो फिर मेरा इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट पड़ा कि ये सब क्यों होता है, मैं जो हो रहा है ये क्यों हो रहा है। तो ये सब रीजनिंग में मेरा बहुत इंटरेस्ट था, तो मैंने मेडिटेशन से जुड़ी, जिसमें मेरे को थॉट्स के बारे में थोड़ी नॉलेज मिली कि थॉट्स जो हैं वो ऑटोमेटिकली क्रिएट नहीं होते हैं, वो हम खुद ही क्रिएट करते हैं। तो उसके ऊपर फिर मैंने काम किया कि हमें पॉजिटिव सोचना चाहिए और इस तरीके से थॉट्स को हम कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं। मतलब एक पॉइंट्स पे हमें जो थॉट क्रिएट कर रहे हैं, जैसे सिचुएशन के बेसिस पे या किसी भी बेसिस पे, तो उसको हमने पॉजिटिव में कैसे कन्वर्ट करना है, तो उस पर मैंने काम किया। तो इस तरीके से हम जैसे प्रिया दीदी के थ्रू, प्रिया दर्शनी दीदी जो है उनके थ्रू मैं UHV कंटेंट से जुड़ी थी, क्योंकि मेरे को उसमें एक स्टक फील कर रही थी। मेरे को लग रहा था कि एक पॉइंट आ गया कि अब मैंने इसको समझ लिया है, बट इसके मैं कुछ और भी समझना है, कुछ मिस कर रही हूँ। क्योंकि बिहेवियर में मैं इतना कुछ चेंज देख नहीं पा रही थी, आसपास वालों में भी और अपने में भी। तो मेरे को लगा कि कुछ आगे भी, इसके आगे भी कुछ समझने के लिए हो सकता है। तो प्रिया दर्शनी दीदी के थ्रू मैं UHV कंटेंट से कनेक्ट हुई थी, 2022 में कनेक्ट हुई थी। तो वैसे हम दोनों ही काफी, मतलब पहले भी वॉलंटियर करते थे, जैसे बच्चों को वैल्यू एजुकेशन की क्लासेस देते थे स्कूल्स में वीकेंड्स पे, या ऐसे कुछ प्रोग्राम्स करते रहते थे। तो UHV के बाद जो सेकेंड शिफ्ट आया है उसके बारे में बात करूंगी। तो इसमें मेरे को एक बेसिक लॉ जो क्लियर हुआ, को एग्जिस्टेंस का, सह अस्तित्व का, जैसे पहला है ह्यूमन बीइंग। तो ये तो जैसे हम बचपन से भी सुनते थे और मेडिटेशन में भी हम प्रैक्टिस करते ही हैं, सेल्फ एंड बॉडी। तो सेल्फ में जैसे एक्सप्रेशन जो हम करते हैं वो इमेजिनेशन से आता है, ये थोड़ी क्लैरिटी बनी कि थॉट्स के ऊपर जो लेवल है हमारा डिजायर का, वो कैसे डिराइव होता है, वो भी ऑटोमेटिक नहीं है, वो कैसे गाइडेड है या अनगाइडेड है, उसकी क्लैरिटी हुई मेरे को। और नेचुरल एक्सेप्टेंस और एक्सेप्टेंस जो हम कहते हैं सहज स्वीकृति, या फिर हम जो चीजें मान लेते हैं प्री कंडीशनिंग के बेसिस पे या सेंसेशन के बेसिस पे, उसके बीच में क्लैरिटी हुई कि ये दोनों चीजें डिफरेंट है। सिर्फ मानना जरूरी नहीं है, जानकर और सहज स्वीकृति के आधार पर ही मानना ये वैलिड रहेगा लॉन्ग टर्म के लिए। दूसरा, बॉडी में जैसे हमारा संयम का भाव होता है या जो भी हमारे भाव होते हैं अपनी सेल्फ और बॉडी के प्रति, उसकी थोड़ी क्लैरिटी मिली। तो मेरे को यही वैल्यूएशन हुआ कि मैं पहले थॉट लेवल पे ही ज्यादा काम कर रही थी, तो उसकी वजह से क्या होता है कि हम मतलब ज्यादा एनालिसिस में आ जाते हैं, तो उसमें हम कुछ कर नहीं पाते हैं, ज्यादा भागीदारी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमारी एनर्जी जो है वो उसमें ही ज्यादा हम टाइम लगाते हैं, एनर्जी और टाइम। क्वेश्चंस तो मैं पहले भी बहुत पूछती थी, बट मेरे को जैसे ये मॉर्निंग सेशन जो अटेंड किया उसमें मेरे को समझ आई कि ये भी संस्कार हो सकता है कि हम इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा लेने का, तो उसके ऊपर काम भी करना है हमने। और
नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जैसे क्लैरिटी तो बनी और साथ में इमेजिनेशन को हम फैंटेसाइज या फिर जो हम कहते हैं कि ये तो तुम्हारी कल्पना है, तो उसमें कंफ्यूजन थी कि इमेजिनेशन तो कुछ कल्पना को कहते हैं, बट ये हमारे रूटीन वर्क का एक स्टेप्स इंक्लूडेड है, रूटीन में हम ये इमेजिनेशन करते हैं, ये नहीं हम समझ पाते थे, तो कल्पना और कल्पनाशीलता में डिफरेंस क्लियर हुआ। फिर चिंतन, चिंतन हमने किस चीज का करना है कि समझ तो चलो हमने इंफॉर्मेशन ले ली है, बट चिंतन में हमने क्या करना है कि हम कैसे पार्टिसिपेट कर सके हार्मनी में रहकर, रिलेशनशिप में रहकर, उसका क्लियर हुआ कि चिंतन किस चीज का करना है। देन उसके बाद जैसे मेरे को रिफाइनमेंट का भी बड़ा रहता था कि मैं हर चीज रिफाइंड फॉर्म में सीखूं, मतलब ऊपर ऊपर से नहीं, तो मेरे को जैसे पहले से मैं कम बोलती थी, वैसे जिनके साथ बोलती थी उनके साथ तो प्रॉपर बोलती थी, जैसे मम्मा के साथ सब कुछ शेयर करती थी स्कूल से आके भी या जैसे भी कुछ भी, बट हर एक के साथ मैं नहीं इतना बात करती थी, साइलेंटली ऑब्जर्व ही करती थी बस और सुनती ही थी। अगर जैसे अगर आप मेरे को सारा दिन, मैंने UHV भी अटेंड किया, UHV 2, तो मेरे को चाहे सारा दिन बिठा के भी आप ये बातें समझाएंगे तो मैं ध्यान से सुनूंगी, तो इस टाइप का मेरा संस्कार था और अभी भी है। तो लेकिन मैं पहले इतने क्वेश्चंस दूसरों से नहीं पूछती थी, बट अब जैसे मैं पूछती हूँ तो मुझे लगता था कि मतलब मेरे द्वारा किसी को गलत इन्फॉर्मेशन नहीं जानी चाहिए, तो इसलिए भी हम कभी कभी जैसे पार्टिसिपेशन जैसे अवॉइड करते हैं। मैंने ये शेयरिंग में भी बहुत सुना, जैसे कि हम कंप्लीट एक्सप्लोरेशन कर लें तो तभी हम दूसरों को ये सहयोग कर सकते हैं, ऐसा हम सोचते हैं। तो मुझे लगता था कि मैं ही ऐसा सोचती हूँ, बट जैसे हमने शेयरिंग्स में भी सुना और क्वेश्चन आंसर्स में भी कई बार सुना, तो ये क्लियरिटी हुई कि काफी मेरे जैसे और भी लोग हैं जो ये सोचते हैं कि कंप्लीट एक्सप्लोरेशन के बाद ही पार्टिसिपेशन करने के हम योग्य बनेंगे कम्प्लीटली, बट ऐसा नहीं है। हम उनको इनिशिएट करवा सकते हैं, जैसे कि अपने नेचुरल एक्सेप्टेंस, जो मेन यहाँ पे हमारा वेरिफिकेशन का पॉइंट हमें बताया गया, उसके बेसिस पे हम उनको अपने अंदर ही रीडायरेक्ट कर सकते हैं कि वो खुद अपनी एक्सप्लोरेशन करें, हमें उनके लिए एक्सप्लोर, क्योंकि हम किसी के लिए एक्सप्लोर नहीं कर सकते। नेक्स्ट जो पॉइंट क्लियर हुआ वो जैसे पर्पस को लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहती थी पहले, बीच में कंफ्यूजन आ गई थी, जिसको कई लोग मतलब ऐसे बोल देते हैं कि मिड लाइफ क्राइसिस है, अभी आपने अपनी जॉब भी कर ली, अभी आपने अपने जो शॉर्ट टर्म गोल्स थे जैसे जॉब सैलरी या जो भी एक्सपेक्टेड गोल्स थे वो आपने अचीव कर लिए, तो आपको एक लगता है कि अब हम क्या करें, तो उसमें भी थोड़ी सी क्लैरिटी हुई कि हमें अपनी कॉम्पिटेंस को बढ़ाना है, अपनी अंडरस्टैंडिंग को और बढ़ाना है। तो ये थोड़ी हर चीज में मेरे को क्लैरिटी मिली, पर्पस ऑफ लाइफ में, पार्टिसिपेशन में, थॉट्स के बाद क्या लेवल्स होते हैं, उसमें हमने कैसे आगे प्रोग्रेस करना है। देन सेकेंड पार्ट नेचर के बारे में भी सेम वही क्लैरिटी मिली कि नेचर भी जो है वो सह अस्तित्व में ऑलरेडी है ही है फोर ऑर्डर्स में, तो उसमें फर्स्ट पॉइंट जैसे हमें लिविंग थिंग्स और लिविंग बींग्स, ये हम साइंस में भी पढ़ते हैं बट उसकी उस टाइम हम इतने ध्यान नहीं देते, तो ये क्लियर हुआ कि पेड़ पौधों में, जीव जंतुओं में क्या डिफरेंस है, कि एक्टिविटीज जानना, निर्वाह करना और पहचानना उनमें भी हो रहा है और हमने भी हो रहा है, बट वो फिजिकल लेवल पे हो रहा है, तो इसकी क्लैरिटी मिली। एंड देन जैसे स्टार्टिंग से हम रिसोर्सेज की वेस्टेज तो इतनी नहीं करते थे, जैसे जितनी जरूरत है उतना ही लेते थे, बट जैसे अभी मैंने लास्ट 2 ईयर्स से मैं और भी एनवायरमेंटलिस्ट या इनको सुनती हूँ, तो मैंने हाउस होल्ड में भी थोड़ा वेस्ट मैनेजमेंट का स्टार्ट किया इंडिविजुअल लेवल पे, एंड उसके अलावा भी मैं मतलब देखती रहती हूँ कि कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं हम अपने वेस्ट को। तीसरा पॉइंट ये था कि इंडिविजुअल एफर्ट्स की ओर ध्यान दिया, क्योंकि हमें लगता है कि जैसे काफी सारे लोग ये अभियान चलाते हैं कि पेड़ लगाओ या कुछ ऐसे नेचर से रिलेटेड है ना, बट हम सोचते हैं कि ये तो सब मास लेवल पे करेंगे तभी इसका इफेक्टिव होगी, बट इसमें ये भी ध्यान दिया कि अगर हम इंडिविजुअल लेवल पर करते हैं तो भी इफेक्टिव होता है, बिकॉज फिर बाकी लोग देखते हैं कि अच्छा ये कर रहे हैं तो हम भी कर सकते हैं, तो ऐसे हमें मोटिवेशन मिलती है, तो इंडिविजुअल लेवल के जो एफर्ट्स हैं वो भी काफी लाभदायक रहते हैं।
चौथा ये है कि नेचर के जैसे हर यूनिट से हम ये भी सीखते हैं नेचर से कि जैसे उनकी हर यूनिट ऑटोमेटिकली हार्मनी में है, ऑर्डर में है और एक दूसरे की पूरक है. मतलब वो कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं कर रहे कि मैं किसी के लायक बनूं या फिर मुझे पहले मैं पूरा जान लूं इनको फिर ही मैं इनकी सहायता करूंगा. तो इस तरीके से वो नहीं सोचते हैं, वो जो उनका पार्ट है वो उस तरीके से फुलफिल कर रहे हैं जो उनके पास है. उसी प्रकार हम भी नेचर का पार्ट है तो हमें भी चाहे वो फिजिकल बॉडी के लेवल पर है चाहे सेल्फ के लेवल पर है तो हम इस बेसिक प्रिंसिपल को फॉलो कर सकते हैं, आपस में एक दूसरे के पूरक बन सकते हैं. उसके लिए हमें कोई कंप्लीटनेस को अटेन करना है, ये कंडीशन अप्लाई करना जरूरी नहीं है. थर्ड पार्ट है एग्जिस्टेंस का. एग्जिस्टेंस में भी मेरे को क्लैरिटी मिली. जैसे हम पहले कुमार भैया ने बोला था कि ये सारी चीजें इतनी कॉम्प्लेक्स नहीं है जितना हम सोच लेते हैं, तो उसमें भी सह अस्तित्व ऑलरेडी है ही स्पेस में और यूनिट्स में. ये मेरे को क्लैरिटी मिली. पहले हम स्पेस को कंसीडर नहीं करते थे. जैसे हम सपोज थॉट्स पे भी काम कर रहे हैं तो स्पेस को कंसीडर नहीं करते थे, तो मेरे को ये समझ आया कि सह अस्तित्व की जानकारी के आधार पर मैंने देखा कि हर यूनिट तो अस्तित्व में अपने क्या रोल है ये हम समझ सकते हैं क्योंकि सब कुछ सह अस्तित्व में ऑलरेडी है ही. तो स्पेस को जब हम कंसीडर करते हैं तो इसमें हम किसी को फिर अलग नहीं समझते अपने से. हम देखते हैं कि थ्रू स्पेस हम कैसे कनेक्टेड हैं. पहले हम स्पेस को नहीं अपने इमेजिनेशन में कंसीडर करते थे तो हमें लगता था कि मैं अलग हूँ तो मेरा ब्रदर अलग है तो ये फिजिकल ऑब्जेक्ट्स अलग हैं, बट इनके अंदर भी स्पेस है और बाहर भी हम स्पेस में सबमर्ज्ड हैं तो आपस में ऑलरेडी कनेक्टेड ही हैं. तो इसको जब हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं तो हम एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में अपने फील कर सकते हैं. तो इसके अलावा पहले क्या था, जैसे मैंने काफी वीडियोस देखी थी तो उसमें जैसे हर एक चीज माइक्रोस्कोप के अंडर दिखाते हैं तो ऐसे लगता था कि हम हाइजीन को लेकर ज्यादा ओवर ही कर लेते हैं क्योंकि वो दिखाते हैं कि ये इसमें देखो ये माइक्रोब्स हैं ये बैक्टीरिया है तो हम उसको ऐसे लगता है कि केमिकल प्रोडक्ट से ही उसको क्लीन करना जरूरी है. बट जब नेचर और एग्जिस्टेंस का रोल समझा तो ये समझ आई कि हर चीज हमारी लिए नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं करती. कुछ माइक्रोब्स कुछ बैक्टीरिया हमारे लिए हेल्दी भी होते हैं और हमारी ह्यूमन बॉडी में काफी बैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं जो हमारे लिए जरूरी है. तो इस तरीके से मैंने नेचर के साथ अपना कनेक्ट फील किया और ये समझा कि केमिकल्स जो हैं वो हमारे लिए बहुत हार्मफुल हैं बिकॉज वो मैन मेड है और नेचर में हर चीज के लिए ऑलरेडी व्यवस्था बनी हुई है. तो ये एग्जिस्टेंस के जब मैंने समझा तो मेरे को यही समझ आई कि हमें बेसिक जो करना है वो यही करना है कि जो ऑलरेडी हार्मनी है उसको मेंटेन करना है और स्पेस के थ्रू जो हम ऑलरेडी कनेक्टेड हैं उसको देखना है अवेयरनेस के साथ और पार्टिसिपेशन करनी है रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कि हम ये ना समझे कि हम पहले खुद समझ लें तो फिर ही हम लायक बनेंगे रिस्पॉन्सिबल बनेंगे. देन उसके बाद ह्यूमन कंडक्ट में मेरे को ये समझ आया कि जो जैसे दीदी ने भी बोला कि जैसे कोई गलती करता था ना तो ट्रस्ट इश्यूज थे कि मतलब अगर किसी ने कोई गलती करी तो दोबारा उस पर भरोसा करें ना करें, मतलब ऐसे डाउटफुल रहता था. तो इसमें क्लैरिटी मिली ह्यूमन कंडक्ट में कि इंटेंशन सभी की सेम ही होती है बेसिक एस्पिरेशन के बेसिस पे सुखी होना सुखी करना, बट कॉम्पिटेंस के बेसिस पे भागीदारी में डिफरेंस आ जाता है. तो इंटेंशन पे हमें डाउट नहीं करना चाहिए, बस उसकी कॉम्पिटेंस के बेसिस पे कैसे हम उसको हेल्प कर सकते हैं वो देखना चाहिए. तो इससे ऑपोजिशन का जो भाव स्ट्रांगली क्रिएट होता था वो थोड़ा कम हुआ है. मैं ये नहीं कहूंगी कि बिल्कुल खत्म हो गया बट पहले से बहुत ज्यादा कम हुआ है कि अब मैं इंटेंशन पे जब मेरे को लगता है कि इरिटेशन हो रही है दूसरों के बिहेवियर को या ऐसे देख के तो मैं फिर एकदम से ये पॉइंट ध्यान में आता है कि इनके इंटेंशन है या कॉम्पिटेंस है, ये पॉइंट पे ध्यान आता है. दूसरा फिर ये दिखाई देता है कि किसी के प्रति, मतलब मेरा ये भी था कि मेरे को किसी के प्रति ना इतना ज्यादा श्रद्धा भाव नहीं था और है कि मैं किसी के लिए हमेशा तत्पर रहूं प्रेरणा लेने के लिए और उनको फॉलो करूं कंप्लीटली, ऐसा मेरे में नहीं था.
ये भी मैंने अपने में देखा। दूसरा जैसे कि हमने यूटिलिटी कैसे करनी है, अपनी नेचर के साथ कैसे भागीदारी करनी है, ये सब भी ध्यान में आया। फिर एक्सरसाइजेस की अगर बात करें तो एक्सरसाइजेस में मतलब जैसे मैंने बताया कि मेडिटेशन का बहुत ज्यादा अभ्यास था, तो थॉट्स लेवल पे तो मेरे को दिखता है और संस्कार भी थोड़े थोड़े जिस समझ में आते हैं, जैसे कि अगर हमने व्रत करना है क्यों नहीं करना है, तो ये समझ में आता है। तो फर्स्ट स्टेप में मैं थॉट्स तो देख पाती हूँ, बट थॉट में कई बार उस थॉट के साथ ही नेक्स्ट थॉट्स की चेन बन जाती है और फीलिंग को नहीं देख पाती हूँ। तो फीलिंग के केस में मेरे को ये क्लैरिटी नहीं बन पा रही अभी कि क्या फीलिंग चल रही है। संस्कार थोड़ा बहुत दिख जाता है, जैसे कि ये मेरे को संस्कार दिखा कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, क्योंकि जैसे मेरी मम्मा को डायबिटीज हुई तो मैंने भी साथ में सारे प्रिकॉशन लेने शुरू कर दिए, कि जबकि मेरी बिल्कुल नॉर्मल है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मीठा कम कर दिया, ये सब कुछ मैंने भी शुरू कर दिया। तो ऐसे मेरे को संस्कार दिखते हैं बट फीलिंग नहीं क्लियर हो पा रही अभी। तो इसके लिए मैं कंसिस्टेंटली ये एक्सरसाइज को फॉलो करना चाहूंगी। अभी मैं इतनी कंसिस्टेंटली नहीं कर पाती, क्योंकि जैसे ही मैं एक थॉट में साथ में दूसरी थॉट चेंज हो जाती है तो फिर मेरा इंटरेस्ट जो है वो लूज हो जाता है कि अब मैं नहीं देख पा रही हूँ, ऐसा मुझे लगता है। तो डिसीजन तो मेरा ही होता है, ये मुझे क्लियर हुआ। और क्या वो थॉट्स अंडरस्टैंडिंग के बेस पे हैं या एजम्पशन के बेस पे, ये भी थोड़ा थोड़ा क्लियर हुआ। और हार्मनी में होने चाहिए, को एग्जिस्टेंस में होने चाहिए, नेट रिलेशनशिप में होने चाहिए, नेचुरली तो एक्सेप्टेबल है बट ऑन दी स्पॉट वो कई बार नहीं दिखता। तो फीलिंग्स के केस में मेरे को अभी इतनी क्लैरिटी नहीं बनी एक्सरसाइज वन में। और एक्सरसाइज टू में जो सेल्फ के थ्रू सेल्फ बॉडी को और उसके इंटरेक्शन को ऑब्जर्व करना है, उसमें मैं ये देख पाई हूँ कि जो सेल्फ और बॉडी है वो टू डिफरेंट रियलिटीज हैं, और जिससे मेरे को ये समझ में आया अब मैं डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं हम इसको। दूसरा पॉइंट ये है कि जैसे कि हम इसको ये इंस्ट्रक्शन मैं देती हूँ, ये हम जब रेस्पिरेशन की एक्सरसाइजेस करते हैं, इनहेल एंड देन एक्सहेल, तो इसके थ्रू भी मेरे को ये ध्यान गया कि हाँ इंस्ट्रक्शन देते हैं हम। क्योंकि जब हम कभी हम कहते हैं कि तेजी से सांस लो, कभी हम कहते हैं कि स्लो स्पीड में लो, तो इंस्ट्रक्शन तो हम ही देते हैं। थर्ड पॉइंट जो डिसीजन लेते हैं कि क्या रीड करना है और क्या किस टाइप की इंस्ट्रक्शन देनी है, वो भी हम खुद ही देते हैं, चाहे वो रिफ्लेक्स सेक्शंस भी हो। ये UHV 2 में भी पॉइंट्स डिस्कस हुए थे कि रिफ्लेक्स सेक्शन में भी हम खुद ही मतलब रीड करके इंस्ट्रक्शन देते हैं। तो इसमें डिस्कशन भी हुए और डाउट भी था, तो ये निकल के आया कि ये भी डीप रूटेड कंडीशनिंग्स होती हैं जिसके बेसिस पे हम देते हैं इंस्ट्रक्शंस। तो ये मैं सोचती तो रहती हूँ मन में, तो इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग एक शेयरिंग है छोटी सी कि संडे का ही दिन था जब मैं ये UHV का सेशन सुन रही थी, तो मेरे हाथ में एक कप था। ये जनवरी की बात है, 15 जनवरी 2023, जब हमारा ये चल ही रहा था सेशन। तो उसमें जैसे चाय थी स्टील के कप में, तो मैंने अपनी तरफ से तो ध्यान से ही पकड़ा हुआ था कि गर्म ना लगे, बट फिर भी मेरे को एक फिंगर में, मिडल फिंगर या जैसे रिंग फिंगर में ऐसे फीलिंग आ रही थी कि बहुत ज्यादा ना कोई शार्प चीज लग रही है मेरी स्किन पे उस फिंगर की, बट मेरा ध्यान सुनने में भी था और तो मैंने देखा नहीं कि क्यों ऐसी फीलिंग आ रही है। बट जैसे ही मैंने देखा कप की तरफ और अपने हाथ की तरफ, तो मैंने देखा कि वो फिंगर जो है वो डायरेक्ट टच हो रही थी स्टील के उस गर्म चाय थी जिसमें, तो फिर मैंने एकदम से वो फिंगर हटा ली। तो मेरे को ये क्लैरिटी हुई कि जो रिफ्लेक्स सेक्शन हम कहते हैं कि गर्म चीज को टच करने जैसे भी, वो भी ऑटोमेटिक नहीं होते, वो हम रीड करते हैं और इंस्ट्रक्शन देते हैं तभी हम उस पे रिएक्ट करते हैं या रिस्पॉन्ड करते हैं। फिर सेंसेशंस को अगर हम देखें बॉडी लेवल पे, तो हम सेंसेशन में नहीं हो सकते हैं, ये भी थोड़ा लॉजिकल रीजनिंग से पता लगा, क्योंकि मल्टीपल लोकेशन पे मल्टीपल सेंसेशन होती हैं एक ही टाइम पे, तो हम अलग अलग जगह पे तो नहीं हो सकते, उसके अंदर भी नहीं हो सकते, और थोड़े डिस्टेंस पे ही हैं तभी हम उसको इतना क्लियरली देख पा रहे हैं, ऑब्जर्व कर पा रहे हैं।
फिर उसके साथ जो भी हम एसोसिएट करते हैं मीनिंग, वो भी हमारी अंडरस्टैंडिंग पे ही डिपेंड करता है। क्योंकि जैसे अगर हम बचपन की बात करें तो इंजेक्शन लगवाना होता था, जैसे कभी फीवर हो गया तो बहुत ज्यादा अपोजिशन थी कि हमने नहीं लगवाना, बच्चों को होता है कि हमें दर्द होगा तो नहीं लगवाना, इतनी जिद करते थे। पर जैसे एक बार पता चला स्कूल में लगाए थे हेपेटाइटिस बी के, तो उसमें इतना दर्द नहीं हुआ, तो समझ आई कि इतना भी पेनफुल नहीं है। तो हमने ही मीनिंग दिया था कि बहुत ज्यादा पेन होती है, तो उसके बाद से हम जैसे इतना नहीं डर लगा। फिर उसके बाद संस्कार जो है वो भी हमारे संस्कारों को ऑब्जर्व किया थ्रू रिएक्शन एंड रिस्पॉन्स। मतलब इतना ज्यादा क्लैरिटी नहीं होती बच्चे से उस टाइम पे, नहीं होती जब हम बैठते हैं, तो कभी कभी बाद में भी समझ आते हैं। तो लेकिन स्पेस को मैंने लॉजिकली तो समझा, बट अभी उसको एक्सपीरियंस करना या रियलाइजेशन करना वो भी पेंडिंग है। तो उसके लिए मैं और ज्यादा इसके लिए एफर्ट करना चाहूंगी एक्सरसाइजेस में। उसके बाद जो लिविंग में जो आया उसमें ये था कि जजमेंटल थोड़े कम हुए हैं। पहले क्या था, जो हमारी रूटीन होती थी उसके बेसिस पे ही हम दूसरों को जज करते थे कि जैसे हम कर रहे हैं वैसे ही सही होता है और सबको वैसे ही करना चाहिए, तो ये चीज थोड़ी कम हुई है। फिर उसके बाद अपने में सब कुछ जानने की जो इच्छा होती थी कि हाँ हम अभी अभी जान ले, जैसे यहाँ मॉर्निंग सेशंस में भी काफी बार डिस्कस हुआ, तो वो जो बेचैनी रहती थी कि सब कुछ जानने की, वो थोड़ी उसमें सहजता बनी और अपने लिए अपने को टाइम देना चाहिए ये समझ पड़ी है। और फिर उसके बाद अपने प्रति उदारता भी बढ़ी है कि ऐसा नहीं है कि हम कंप्लीट ही कर लेंगे, ये एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, तो हमने अपने आप को टाइम देना है। तो उदारता बढ़ी है और इरिटेशन भी कम हुई है, क्योंकि पहले जैसे मैंने बताया कि जब कुछ कोई नहीं करता था, किसी को कुछ समझाना होता था ना और समझ नहीं आता था, क्योंकि लगता था कि मुझे समझ आ गई इसको क्यों नहीं समझ आ रहा, हमारा सेम एक्सपीरियंस है, सेम हमारी पोजीशन है, तो मेरे को समझ आ रही है ये बात, तो इसको क्यों नहीं समझ आ रही, चाहे वो टेक्निकली हो या फिर जैसे भी हो वैल्यू बेस्ड हो। तो लेकिन इंटेंशन और कॉम्पिटेंस, इंटेंशन सेम हो सकती है बट कॉम्पिटेंस में डिफरेंट हो सकता है, तो ये डाउट क्लियर हुआ और इरिटेशन भी कम हुई। अब मैं अगर समझाती हूँ किसी को तो मेरे को स्टार्टिंग में होती है इरिटेशन, बट फिर मैं धीरे धीरे उसको कंट्रोल करने की वो कोशिश करती हूँ, अभी कंप्लीटली रिमूव नहीं हुई है। और दूसरों को समझने का जो पेशेंस लेवल है वो थोड़ा बढ़ा है, अपने लिविंग में थोड़े चेंजेस देखे मैंने। लास्ट में जो कमिटमेंट की बात है, मॉर्निंग सेशन तो मैं अभी ये वाला मैंने स्टार्टिंग से रेगुलर ही किया है सोशली, और जो इसकी एक्सरसाइजेस हैं वो मैं करती तो हूँ, बट मेरे को जैसे बीच बीच में मैं छोड़ देती हूँ क्योंकि मेरे को लगता है मेरे को फीलिंग नहीं दिखती है, ऐसे आगे के स्टेप नहीं दिखते, तो वो मैं रेगुलर करना चाहूंगी। और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं जैसे वेब डेवलपमेंट में थी तो अपने स्किल्स के बेसिस पे मैं वेब डेवलपमेंट के लिए मैंने ये चूज भी किया था मॉर्निंग सेशन के फॉर्म में, चैट बॉट के लिए, वीडियो एडिटिंग के लिए। इसके लिए मैं वीकेंड्स पे टाइम दे सकती हूँ क्योंकि वीक डेज में मेरा खुद ऑनलाइन काफी काम रहता है, तो ऑनलाइन काम मैं उतनी कॉन्सेंट्रेशन के साथ नहीं कर पाऊंगी। वीकेंड्स पे मैं ये ऑनलाइन काम कर सकती हूँ। और वैसे मैं ईयर में वंस या ट्वाइस FDPs या SIPs में भी पार्टिसिपेट कर सकती हूँ। अभी रिसेंटली मैंने फ्लाइट में पार्टिसिपेट किया था एज ए ऑब्जर्वर, 3 days की वहाँ पे FDP थी तो वहाँ पे पार्टिसिपेट किया था, तो वहाँ पे मेरा एक्सपीरियंस अच्छा रहा। मैंने सुना सभी को, तो यही समझ बड़ी कि एजुकेशन के साथ इसको रिलेट करना बहुत जरूरी है। जी धन्यवाद भैया, धन्यवाद सभी को। मनीषा दीदी के शेयरिंग की अगर बात करें तो काफी बढ़िया शेयरिंग रही। उन्होंने विधिवत एक एक भाग को ध्यान देने का अभ्यास किया है और जितने भी बिंदु यहाँ रखे गए थे शेयरिंग के लिए उससे जीने को जोड़कर देखने का अभ्यास भी किया है, तो काफी अच्छा रहा। और मुझे लगता है कि अभी जो उनकी अवस्था है और आगे जो उनके पास अवसर है अपने ऊपर काम करने का, अगर उसका ठीक से सदुपयोग करें बहुत अच्छी गति बनेगी। जो अभ्यास एक और दो के बिंदु हैं उसको भी सामने रखते हुए उन्होंने बहुत सारी चीजों पे जो अपने निष्कर्ष दिए अपने ऑब्जर्वेशन से वो भी काफी अच्छे हैं, तो मैं तो कहूंगा कि काफी बढ़िया शेयरिंग रही मनीषा जी की।
थोड़ा भागीदारी को लेकर उन्होंने जो बताया कि अभी एक वर्कशॉप में भी गई थी ऑब्जर्वर के रूप में, वो भी एक अच्छा सदुपयोग किया उन्होंने और आगे भी और देखे। आपका सॉफ्टवेयर इंजीनियर है तो आपका क्या मंडे टू फ्राइडे रहता है या सैटरडे भी रहता है वर्किंग मनीषा जी? जी भैया मंडे टू फ्राइडे ही होता है, सैटरडे संडे। तो वीकेंड्स पे तो आपके पास काफी अवसर है ना, कुछ अपने ऊपर अभ्यास करने के लिए भी और भागीदारी करने के लिए भी। और हम लोग बहुत सारे ऐसे काम कर रहे हैं जिसमें हमको आईटी स्किल्स की जरूरत पड़ती है, जैसे वीडियो एडिटिंग का काम हो रहा है, डेटाबेस मैनेजमेंट हो रहा है और उसमें और भी कुछ नए काम अब निकलते जा रहे हैं ना। जैसे हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि जो अभी शेयरिंग हो रही है उसका सॉफ्टवेयर के माध्यम से ट्रांसक्रिप्शन हो जाए, तो इन सारे कामों में आपकी अच्छी भागीदारी हो सकती है। आप कभी इसके बाद बात करें तो हम लोग इसको डिस्कस कर सकते हैं। जी भैया जी, बढ़िया दीदी। और आपका ये पहला बैच था या इससे पहले भी आप अटेंड कर रही थी? मॉर्निंग सेशन मैंने ये फर्स्ट ही लगाया है सिंसियरली। लास्ट में मैंने किया था बट वो मैंने रेगुलर नहीं कर पाई, ये वाला मैंने स्टार्टिंग से रेगुलर किया है। अच्छा, बहुत अच्छा। इसमें उन्होंने अभ्यास एक और दो को तो थोड़ा संक्षेप में ही रखा, बैच एट में हम लोग और उसको डिटेल में रखेंगे, तो बैच एट में भी आप जुड़े रहे। और आपका ऑनलाइन वर्कशॉप कब हुआ है पहला? एक्चुअली मेरी कोई सर्टिफिकेशन नहीं है तो मैंने ऑनलाइन मतलब यूट्यूब से ही किया था। हाँ, तो थोड़ा सा उसको आप देख लें क्योंकि जो कंटेंट की और पकड़ होनी है ना, जैसे कुछ मुद्दे तो आपको ध्यान में आए कि पेड़ पौधों में और पशु पक्षियों में क्या अंतर है, इस तरह की चीजें, परंतु सेल्फ की अंडरस्टैंडिंग को लेकर और जो अपने ऊपर काम होना है और एक बार पूरा कंप्लीट प्रपोजल आपको मिले, जैसे आप एक ऑब्जर्वर के रूप में भी गई बट आपका अभी वर्कशॉप नहीं हुआ है, तो उससे ज्यादा बढ़िया रहेगा कि आप थोड़ी और तैयारी कर लें। तो एक तो ऑनलाइन वर्कशॉप का अगर अवसर मिलता है आपको, कभी छुट्टी मिलती है तो आप अटेंड कर लें, या आपको लगता है कि वहां रहकर भी आप अपने कामों से फ्री रहकर सुन पाती हैं तो उसको कर लें, है ना। और ऑनलाइन में वही होता है कि जैसे बीच में कॉल्स होती हैं, मीटिंग्स होती हैं ऑफिस की भी, तो इसलिए वो फिर ऑनलाइन में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। वैसे जो UHV 2 था वो मैंने फेस टू फेस ही किया था। अच्छा, कहाँ पर किया था आपने? PTU में किया था, जलंधर में, जितेंद्र भैया से। अच्छा, आप वहाँ उस समय क्या थी, स्टूडेंट थी? नहीं, मैं तो एज ए प्रिया दीदी के साथ ही गई थी, विदाउट सर्टिफिकेशन ही था वो भी, बट वो मैंने रेगुलर 5 days का कंप्लीट किया था फेस टू फेस। अच्छा, ठीक है, बढ़िया, कभी अलग से बात कर लेंगे। आप रहती कहाँ पर है? लुधियाना में, लुधियाना। जितेंद्र भैया से थोड़ा आप कोऑर्डिनेट कर लीजिएगा, ठीक है? तो आपके वर्कशॉप अटेंड करने को लेकर, भागीदारी को लेकर और विस्तार से बात कर लेंगे, तो बढ़िया रहा जी।